से हम नए सर के पास हम नए सर के पास है गुप्ता निवास के बाहर पत्थरबाजी गुप्ता निवास के पास पत्थरबाजी अरे ऐसा करके करना पड़ेगा आप बोलो पूरे एक साथ अरे आप नए सर के पास पड़े अरे हैं गुप्ता निवास के पास पत्थरबाजी हाँ ठीक है सर पाँच मिनट पहुँचते हैं बस का फोन अरे टेंशन का है नहीं राहुल टर्न मत कर बेटा वही टर्न नहीं करूँ टेंशन हो जाए हमारी नौकरी पे इसमें भाभी जी ड्रिंक ड्रिंक मनोज हाँ सर इधर आओ And action. जी सर अरे मत बोलना जी सर कुछ नहीं अच्छा, फोन उठाया देख रहे हो किसका फोन है ये आगे का कट कर रहे वो आगे मैडम जी हेलो मैडम जी हम ना बड़ी सड़क के थाने से बोल रहे हैं जी अरे आपका तो फोन आया था कि आपके घर के बाहर जो पथराव हो रहा है जी और यहाँ तो हम देख रहे हैं जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऑल क्लियर है फालतू टाइम वेस्ट करा दिया हमारा लगता है मैडम जी आप जानती नहीं है पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको हम अंदर भी डाल सकते हैं आपको कोई गलत खबर दे रहा है मेरे घर के बाहर अभी भी पथराव चालू है अगर 5 मिनट के अंदर आप यहाँ नहीं पहुँचे तो ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है मैं आपके सीनियर्स को ये भेज दूँगी रुक जा रोलिंग ये तो ये कॉल मैं आपके सीनियर्स को भेज दूँगी माल करती हैं यार मैडम जी हाँ अरे भैया आप लोग कोर्ट ना पहुँच सकें इसके लिए आपके मियाँ जी ने खुद पत्थरबाजी के ऑर्डर दिए हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं जी हाँ आप उन्हीं को फ़ोन करके रुकवा लीजिए क्या है पुलिस वालों सॉरी एक्शन आप ही फोन करके रुकवा लीजिए वो क्या है नरेंद्र व्यास के सामने हम भी कुछ नहीं कर सकते हम आपकी मदद नहीं कर सकते सॉरी फोन रखने से चार्ज देना रोज कट ओके सर हम नई सड़क के पास ही खड़े हैं गुप्ता निवास पत्थरबाजी हम 5 मिनट में पहुंचते हैं बड़े बस को फोन था अरे टेंशन काय को लेने का तुम्हारी नौकरी पे नहीं आएगा नहीं लाइन गलत हो रहा है हो जाएगा सर नई सड़क के पास ही खड़े हैं गुप्ता निवास के पास पत्थरबाजी हो जाएगा 5 मिनट में हम पहुंचते हैं उधर बड़े बॉस का फोन था अरे टेंशन काय को लेने का हमारी नौकरी पे नहीं आएगा भाभी जी ड्रिंक ड्रिंक हेलो कट एक फोन का शॉट दे दे साइड हो जा रहा हूँ भाभी ना ना दो दो थोड़ा दे नजदीक रुके Look, our dance will be slow at them. I will slow. Wait, 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 hold on. Focus, focus. Two shot. Shh. अरे तरह आ गए मेरी जिधर ये साथ में वही देखा डर मारेंगे चलिए आगे स्लो ओके शॉर्ट चेक आइए सर आइए देखते देखते ओके ले करिए सर वाह चिल्लाइए नहीं भागे वहीं पे नहीं ओके मैं एक और आप इधर देख गिरा नहीं नहीं ओके 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 शॉट प्ले करो करूंगा मैं
मैं बोलूंगा बोले दादाजी मैं रोलिंग है अरे यार कट कट आइए राहुल ये तो बिल्कुल गलत बात एट द एंड ऑफ इट अपने ही ससुराल में अपने ही हस्बैंड का पुतला जलवा रही नारे लगवा रही अपने
कौन दिख रहा है? मामा? मामा जी। मामा जी बैठ जाइए नीचे। सीन आपका मार कौन सा है? बस हेलो रोलिंग एंड एक्शन एक्शन Keep looking at mommy. कि नरेन को 20 साल की सज़ा दिलवा के उसके भाई का इंसाफ जो है वो भाई को इंसाफ दिलवाया और एक माँ जिसको इतना दुख हुआ है उसको भी इंसाफ दिलवाया और दूसरी तरफ है नरेन जहाँ पूजा जानती है कि उन्होंने अपने भाई के डिफेंस में गोली चलाई है इसीलिए कहीं ना कहीं एक यू नो एक कॉर्नर है जहाँ पे उनका मन मान नहीं रहा है कि यू नो उन्होंने इतना सब कुछ किया होगा लेकिन जिस तरीके से वो पुलिस के साथ आ रहे हैं और तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं पूजा के घर में तो पूजा का गुस्सा और भी बिल्डअप होते जा रहा है और उसके बाद ये पथराव हो गया जिस दिन पूजा को कोर्ट निकलना है उसी दिन उनको डराया जा रहा है तो ये सब एक तरीके से पूजा के अंदर बिल्डअप भी कर रहा है और उसको इनक्रेज कर रहा है कि वो कोर्ट में जाकर नरेन के खिलाफ गवाही दे और उनको सज़ा दिलवाए क्या समझ नहीं आ रहा मुझे मैं पसीने पसीने हो गई ओहो हो हो हाँ बोलो नरेन के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा हाँ तो क्या इससे साबित हो सकता है कि नरेन बेगुनाह है झूठी गवाही देने बोला नहीं नरेन ने ये गुनाह तो किया है मेरे भाई को मारने का और पूजा इकलौती आई विटनेस है इस सिचुएशन की लेकिन
वो ये भी जानती है कि उसके उन्होंने अपने भाई के डिफेंस में गोली चलाई थी, मेरे भाई ने पहले गोली चलाई थी। ये सब जानते हुए दोनों ने अपना भाई खोया है, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट है ये दोनों के लिए, और इस सेंसिटिव मोमेंट में कोई है ऐसा जो आग लगा रहा है ताकि दोनों परिवारों के बीच में और एक अच्छे कपल के बीच में दरार आ जाए, और कोई है जो पूजा के घर में सुराग रख रहा है, पथराव करवा रहा है, जैसे पूजा को लग रहा है कि नरेन कर रहा है, और सिमिलरली उनके घर में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहा है व्यास मैंशन में, जैसे नरेन को लग रहा है कि पूजा ये करवा रहे हैं। तो बेसिकली दोनों घरों में और दोनों दिलों के बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लास्टली पूजा क्या वाकई में पति और मामी के बीच में जिसने पूजा को अपनी बेटी जैसे पाला है, उन दोनों के बीच में डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब क्योंकि एक माँ का दुख समझ रही है पूजा और अपने भाई को भी इंसाफ दिलवाना है, तो वो यही सोच के निकली है आज कि नरेन के खिलाफ वो गवाही देगी और शायद उनको अब सज़ा भी हो जाए 20 साल की। वन मोर मामी के आने से कट याद रखना पूजा, अपने भाई की मौत का कर्ज उतारे बिना इस घर में वापस मत लौटना। अनुज के लिए उसकी आखिरी निशानी है तुम्हें नरेंद्र के खिलाफ गवाही दे करेगी। पुलिस का सब जाना है कि नरेन ने आपके पति ने आपको कोर्ट जाने से रोकने के लिए बोला है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आपकी पति ने रोका है ताकि आप अपना मिले,
के राखी रख action charge get up okay cut okay सिंदूर लिया ऊपर क्या सिंदूर लिया पहनने गए लगाने गए फिर हाथ नीचे आया एक मार्ट नहीं नहीं पहले घूम दे छा हाथ में लेके आओ होल्ड ऑन चीन साइलेंस रोल नहीं नहीं चीन एक ही हाथ लेके आओ नॉट बीइंग राइट हैंड ओके माथे का शॉट देख टाइट एक्शन कट
कट ओके अरुण ओके ओके मैम पीछे ही रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए कुछ पता नहीं चलेगा मैम थोड़ा पीछे रहिए ओके आ जाओ मैम टाइम लीजिए क्लोजेज है इमोशन है और लेफ्ट में लाइन उठा और लेफ्ट हाँ एक्शन ओके खाली वो वाला देखते हैं यस मल्टी दो हां सर ने तो मेरे दिल को पहले ही छीन लिया है लेकिन आज अगर मेरी आत्मा के साथ नाइंसाफी हुई तो एक माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी बोल पूजा ने कोर्ट में उल्टी सीधी गवाही थी तो भी हम उठने वालों में से नहीं हम ऊपर की अदालत में अपील करेंगे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हाँ रोलिंग आप घबराइए मत रोलिंग हाँ आप घबराइए मत सुनिए अगर पूजा ने कोर्ट में उल्टी सीधी गवाही थी हम तब भी पीछे और रोलिंग आप घबराइए मत सुनिए अगर कोर्ट में पूजा ने उल्टी सीधी गवाही दी हम तब भी रुकने वालों में से हम ऊपर की अदालत में अपील करेंगे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके बेटे को वापस घर लेकर झूठे दिलासों से लाइन वापस रोलिंग मैम ऐसे बोल झूठे दिलासों से मेरा भरोसा कट चुका थाली को देखा ये तो थाली बेटा आगे बढ़ के समझे ओके ओके अच्छा मैं क्या अरुण जी तेरा भाई तेरी रक्षा करेगा बेखौफ आरती करिए और ऊपर और बस टू शॉट बना दो सुप्रिया वाला ब्लॉग ओके चलो डन दिख नहीं रहा ना नहीं दिखेगा चलो बोल हाँ सो काफी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है घर पे कुछ लोग ने तो पुतले पुतले जला दिए नरेंद्र के क्या हुआ हाँ एक्चुअली सब चीज़ें एक के बाद एक इतनी कंटिन्यूसली हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है अनुज की लाश पहले मामा के घर से फिर हॉस्पिटल में इतना सब कुछ होने के बाद जब घर पहुँचे फाइनली तो यहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं हाय हाय कर रहे हैं नरेंद्र व्यास पुतले जलाए जा रहे हैं तो काफ़ी परिवार गुस्से में है काफ़ी शौक में जब उन्हें और पता चलता है कि ये सब पूजा नहीं करवाया उनसे तो और ज़्यादा गुस्से में और नरेंद्र बोल कर के अभी तो तुम जो करना है कर लो अब तो बॉडी मिलने से रही तो हाँ सब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि पूजा इस घर की बहू होकर ऐसा कदम उठा रही है अभी सुनवाई का वक्त आ गया नरेंद्र जैसे ही निकल रहा है तो पूरा परिवार उसके अताच खड़ा है उसका तिलक हुआ जा रहा है ये लेके आज हम सब तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो हाँ तो नरेंद्र यहाँ से निकला तो कोर्ट की तरफ जहाँ पे शायद उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगेगा मर्डर का इल्ज़ाम लगेगा बॉडी छुपाने का इल्ज़ाम मिलेगा बट देखते हैं
क्या होता है इसका? सब लोग तो पूजा के खिलाफ कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा पूजा भी बाकी लोगों के। देखिए कैसा है ना कि जब शुरुआत में बात शुरू हुई थी तो शुरुआत में सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये था, लेकिन जैसे जैसे सबूत है जो मामा उसमें तो सारी चीज़ें मिली थी, आज के इतने सारे एविडेंसेस मिले हैं और ऐसा कोई जवाब है नहीं, इस वजह से तो हाँ, तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई है सबके बाद कि नरेन सही और गलत के बारे में सोच नहीं रहा, क्योंकि जहाँ परिवार आता है वहाँ सही गलत होता नहीं है। आज यहाँ पे माँ ना कुछ खा रही है, आज मेरी खुद की जान लेने की कोशिश कर चुकी है दो बार, इस सबके बीच में नरेन सिर्फ अपनी माँ के बारे में परिवार क्या नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ उनके लिए खड़ा है कि मैं हूँ यहाँ, यू डोंट नीड टू वरी। तो आई थिंक इस सिचुएशन में कोई भी बेटा शायद यही करता। वहाँ पर पूजा वो भी काफ़ी बीच में कंफ्यूजन में है कि वो फैमिली का साथ है कि नरेन का साथ है, क्योंकि मामा मम्मी ने तो उसे नरेन के खिलाफ गवाही देने में। जी हाँ, जब भी वो इंसिडेंट हुआ था तब नरेन खुद ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि वो जानता है कि पूजा किस दौर से गुजर रही होगी, उसने अपना भाई खोया, नरेन ने खोया तो पूजा ने भी खोया, तो उस कम को जानता है, वो पूजा की सिचुएशन समझ रहे हैं, लेकिन वो होने के बाद जो सारे सबूत मिले हैं, जो चीज़ें पूजा करवा रही हैं सपोजिटली, बट फॉर नरेन इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि ठीक है आपने भाई खोया तो मैंने भी अपना भाई खोया, लेकिन मैं इस लेवल तक अब तक उतरा नहीं था, लेकिन अगर आपने मेरे भाई की बॉडी छिपाई है तो आई एम रेडी टू गो टू एनी एक्सट्रीम्स। आप कहाँ चाहते हो नरेन को देखना? यहीं पर तो यहीं पर। थैंक यू।